नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। संसद में राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के मामले में कांग्रेस के द्वारा देश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और इसी के तहत जबलपुर में सिविक सेंटर के पास बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया है। प्रभु, आपसे ये प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके पद चिन्हों पर चलने वाले सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि दे। इस देश का लोकतंत्र जो कांग्रेस पार्टी बना के रखती आई है 70 वर्षों से, उसको जो ये तहस नहस करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, उस षड्यंत्र को खत्म करें, इनको मुक्ति दिलाएं सत्ता से और कांग्रेस पार्टी को सेवा के लिए वापस लाएं। आज हमने जो ये कृत्य राहुल गांधी जी के साथ किया है, इसके लिए उनको यहाँ पर सत्याग्रह के साथ हम लोग हवन पूजन कर रहे हैं। और हवन पूजन में यही आपसे प्रभु प्रार्थना है कि इनको सद्बुद्धि दे और इनको सत्ता से मुक्ति दे। इसके अलावा संकल्प सत्याग्रह का भी यहां पर आयोजन किया जा रहा है। इस मामले को लेकर के क्या कहना है जबलपुर के कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का, आइए जानने की कोशिश करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। प्रमुख मुद्दा ये है कि इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जो संविधान के तहत कायम की गई थी वो चलेगी कि नहीं चलेगी। लगातार केंद्र में बैठी सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो हमारी जांच एजेंसियां हो चाहे अन्य संवैधानिक संस्थाएं हो, उनका दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। मानिए, राहुल गांधी जी का अपराध क्या था? राहुल गांधी जी का अपराध ये था कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उस यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हिंदुस्तान की आम जनता की आवाज को सुना, उनकी दुख और तकलीफों को सुना, उनकी मन की बातों को सुना। राहुल गांधी जी का अपराध ये था कि उन बातों को सुनने के बाद उनने संसद में उन मुद्दों को उठाया जो आम जनता से संबंधित थे। उनने उस मुद्दे को उठाया जो मोदी जी और मोदी जी की सरकार के सबसे प्रिय मित्र अडानी जी से संबंधित थे कि ऐसा इस देश में कौन सा जादुई चिराग इस सरकार के पास में है कि हमारा किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारा मजदूर परेशान है, हमारा पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है, हमारी माताएं बहनें बढ़ी हुई महंगाई से त्रस्त हैं, उनके घर के चूल्हे जलाने में दिक्कत हो रही है, हमारे छोटे छोटे से व्यापारी GST गब्बर सिंह टैक्स जिसको राहुल जी ने नाम दिया था उससे हैरान और परेशान, उनके व्यापार नहीं चल रहे हैं। जब इस देश का हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है तो ऐसा कौन सा जादू का चिराग इस सरकार के पास है कि अडानी जी विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए। और जब एक स्वतंत्र एजेंसी ने, जो विश्व की विख्यात एजेंसी है, एक रिपोर्ट पेश की आर्थिक मामलों से संबंधित कि किस प्रकार से अडानी जी को गलत तरीके से, उनकी कंपनियों को गलत तरीके से मदद की गई, भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों ने किस गलत ढंग से उनको लोन दिया, किस प्रकार से LIC जैसी संस्था जिसमें हमारे हजारों करोड़ों निवेशकों का पैसा लगता है उसके पैसे से उनके शेयर खरीदे गए जिससे उनके शेयर के दाम और बढ़ जाए। इन बातों को जब संसद में उठाया तो कहीं ED, कहीं CBI, कहीं इनकम टैक्स और उस पर भी बस नहीं चला तो बिना मौका दिए संसद की सदस्यता रद्द कर दी। आज पूरे भारतवर्ष के लोग उद्वेलित हैं, आंदोलित हैं, इस सरकार की कार्यप्रणाली से परेशान हैं और वो सब राहुल जी के साथ खड़े हैं। वो राहुल गांधी जी के साथ इसीलिए खड़े हैं कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी उनकी बातों को उठा रही है जो बातें उनके लिए महत्वपूर्ण है। हमारे नौजवान हो चाहे अन्य लोग हो, वो चाहते हैं कि संसद में वो मामले उठे जिससे भारत की आम जनता का सरोकार है, पर तभी उनके माइक बंद कर देना। और मैंने तो भारत के लोकतंत्र में पहली बार ये देखा कि संसद के अंदर सत्ता में बैठा दल संसद को नहीं चलने दे रहा है।
अरे विपक्ष को जनता इसलिए चुनती है कि विपक्ष के लोग जाके संसद में जनता के मुद्दों को उठाएं और सरकार को सही रास्ते पर लाएं। पर ये पहली बार देखा कि संसद में सत्ता में बैठे हुए लोग नहीं चाह रहे हैं कि संसद चले, क्योंकि वहाँ अडानी की बात हो रही है, वहाँ महंगाई और बेरोजगारी की बात हो रही है, वहाँ अन्य किसानों के मसलों की, मजदूरों के मसलों की बात हो रही है। ये कितना भी कर ले, ये राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता को गलत तरीके से ये रद्द कर सकते हैं, परंतु राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को ये भारत देश के लोगों के दिल से नहीं निकाल सकते। हम संघर्ष करेंगे, सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ेंगे और आम जनता के मुद्दों को उठाएंगे और इस पापी सरकार को मजबूर करेंगे ये अपने गलत फैसलों को बदले, नहीं बदलेंगे तो अब ये राज छोड़े, क्योंकि जनता आ रही है और जनता दिल्ली के सिंहासन से इनको हटाएगी अगर ये खुद नहीं छोड़ेंगे। प्रहार जो किया है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने, ये प्रहार पूरे देश की जनता पे है। ऐसा करने से आप इस देश के लोकतंत्र को कहां ले जा रहे हैं, सोचिए भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य। आज आपने राहुल जी को 24 घंटे के अंदर अत्यंत ही कायराना तरीके से उन्हें निष्कासित किया। ये लड़ाई इससे रुकेगी नहीं, देश की आवाज बंद नहीं हो सकती। करोड़ों की संख्या में कांग्रेस जन है इस देश के अंदर, 70 साल से आजादी के बाद से हम लोग इस देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये घबराहट भारतीय जनता पार्टी की, ये राहुल गांधी जी की लोकप्रियता, उनके ऊपर आम जनता का विश्वास, ये कृत्य करा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। आप गांधी परिवार के इस देश के लिए दिए हुए बलिदान को नहीं भुला सकते, उनके द्वारा किए गए त्याग को नहीं भुला सकते। आप उनको संसद से क्षणिक रूप से बाहर कर सकते हैं, पर देश की जनता के दिलों से उनको बाहर नहीं निकाल सकते। सद्बुद्धि यज्ञ भी हम लोगों ने महिला शक्तियों के नेतृत्व में यहाँ पर किया है, प्रभु इनको सद्बुद्धि दे और लोकतंत्र को तहस नहस ये ना करें ऐसी उनकी बुद्धि बने, अन्यथा प्रभु इनको सत्ता से अलग करे और कांग्रेस पार्टी को इस देश में, इस प्रदेश में सेवा का अवसर दे। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ।